जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है, तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम उस महान प्रभु यीशु की स्तुति करने वाले हैं, इसलिए आप लोग तालियां बजाकर पूरे दिल से गाने में भाग लीजिए। गीत क्रमांक एक, आज का दिन। गीत क्रमांक एक, आज का दिन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटू, यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 20, हमें प्रभु ने प्रेम दिया। गीत क्रमांक 20, हमें प्रभु ने प्रेम दिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे,
गीत गाएंगे। दया मिली क्षमा मिली जीवन हमने पा लिया। दया मिली क्षमा मिली जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। सबको बताएंगे संगे सुनाएंगे। कृपा मिली खुशी मिली जीवन हमने पा लिया। कृपा मिली खुशी मिली जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 31 यीशु तू है महान। गीत क्रमांक 31 यीशु तू है महान। यीशु तू है महान मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान मेरे लिए है महान। मेरे लिए सबके लिए मेरे लिए सबके लिए प्रेम किया है महान। यीशु अर्पण किया जीवन अपना। क्रूस पर खून बहाय अपना अर्पण किया जीवन अपना। यीशु प्रभु तूने ये सब कुछ मेरे लिए किया। यीशु तू है महान मेरे लिए है महान। यीशु महान मेरे लिए है महान। पाप की क्षमा देता है साथ को ले चलता है। पाप की क्षमा देता है साथ को ले चलता है। हमको छुड़ाया पाप से अपना बना लिया। यीशु तू है महान मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान मेरे लिए है महान। यीशु सबका प्यारा है वो ही एक सहारा है। यीशु सबका प्यारा है वो ही एक सहारा है। कैसा अनोखा प्यार हम पर प्रभु यीशु ने किया। यीशु तू है महान मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान मेरे लिए है महान। मेरे लिए सबके लिए मेरे लिए सबके
लिए प्रेम किया है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान, मेरे लिए है महान, मेरे लिए है महान। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 102 स्तुति करे गाए आनंद से, गीत क्रमांक 102 स्तुति करे गाए आनंद से, स्तुति करे गाए आनंद से, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम, स्तुति करे गाए आनंद से, स्तुति करे गाए प्रभु का नाम, हालेलुया गीत गाए, प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया गीत गाए, प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, स्तुति कर गाए आनंद से, स्तुति कर गाए प्रभु का नाम, स्तुति कर गाए आनंद से, स्तुति कर गाए प्रभु का नाम, उसकी शक्ति से भर के शत्रु उसके अधीन है, पाप के राह में गिरे बिना रक्षा मेरी करता है, पाप के राह में गिरे बिना रक्षा मेरी करता है, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, स्तुति कर गाए आनंद से, स्तुति कर गाए प्रभु का नाम, स्तुति कर गाए आनंद से, स्तुति कर गाए प्रभु का नाम, क्रोध के जाल में जब मैं फंसूं मुक्ति बन कर मेरे पास, इंसान के पाप के लिए सूली पर बलि देने वाले, इंसान के पाप के लिए सूली पर बलि देने वाले, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, स्तुति कर गाए आनंद से, स्तुति कर गाए प्रभु का नाम, स्तुति कर गाए आनंद से, स्तुति कर गाए प्रभु का नाम, हालेलुया गीत गाए प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया गीत गाए प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 24 पावन आत्मा आओ, गीत क्रमांक 24 पावन आत्मा आओ, पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी, पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी,
तेरी दया तेरी दया तेरी दया तेरी दया तेरी दया तेरी दया तेरी पावन आत्मा हो भर दो मुझ में कृपा तेरी पावन आत्मा हो भर दो मुझ में कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी पावन आत्मा हो भर दो मुझ में शांति तेरी पावन आत्मा हो भर दो मुझ में शांति तेरी 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 पावन आत्मा हो भर दो मुझ में प्रेम तेरा पावन आत्मा हो भर दो मुझ में प्रेम तेरा 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 पावन आत्मा हो भर दो मुझ में दान तेरा पावन आत्मा हो भर दो मुझ में दान तेरा 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 हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 गीत क्रमांक 11 क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन गीत क्रमांक 11 क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ईश्वर संतान को आनंददायक है क्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन
ईश्वर संतान को आनंददायक है। कष्टों के बीच में, नष्टों के बीच में प्रभु यीशु ख्रीस्त ही हमारा साथी है। कष्टों के बीच में, नष्टों के बीच में प्रभु यीशु ख्रीस्त ही हमारा साथी है। दुनिया के मदद सब दूर हो जाने पर, लोगों की सहायता साथ छोड़ देने पर, दुनिया के मदद सब दूर हो जाने पर, लोगों की सहायता साथ छोड़ देने पर, अपने भाई इनकार करते वक्त जोसेफ का ईश्वर हमारा साथी है। अपने भाई इनकार करते वक्त जोसेफ का ईश्वर हमारा साथी है। इस दुनिया में अंधकार फैलने पर राजा और नेता सब बैरी बन जाने पर, इस दुनिया में अंधकार फैलने पर राजा और नेता सब बैरी बन जाने पर, सीढ़ियों के बीच में अग्नि के कुंड में दानियल का ईश्वर हमारा साथी है। सीढ़ियों के बीच में अग्नि के कुंड में दानियल का ईश्वर हमारा साथी है। ख्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ईश्वर संतान को आनंददायक है। ख्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ईश्वर संतान को आनंददायक है। ईश्वर संतान को आनंददायक है। ईश्वर संतान को आनंददायक है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 118 मेरे प्रभु की सहायता से। गीत क्रमांक 118 मेरे प्रभु की सहायता से। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित में, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित में, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित में, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु के सामर्थ से मेरी विपत्ति सारी नाश होवेगी। मेरे प्रभु के सामर्थ से मेरी विपत्ति सारी नाश होवेगी। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल ही पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल ही
पाता रहेगा मेरे प्रभु की सहायता से। निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे घर और मेरे सब लोगों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरे घर और मेरे सब लोगों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, क्योंकि अभी उस महान प्रभु को नाच गा करके, तालियां बजा करके धन्यवाद देने वाले हैं। इसलिए पूरे दिल से नाचते हुए, तालियां बजाते हुए धन्यवाद दीजिए। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, या
लाखों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ 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 है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुते आनंद हो प्रभु यीशु जो दिलन हमें। बड़ा भारी आनंद मन हो गए मगन, अबे सोचो जुबा से बाहर। बहुते आनंद हो प्रभु यीशु जो दिलन हमें। बड़ा भारी आनंद मन हो गए मगन, हवे सोचो जुबा से बाहर। बहुते आनंद हो प्यार से कैलन स्वीकार, अयोग्य हम पापी के। प्यार से कैलन स्वीकार, अयोग्य हम पापी के। पाप की गहराई से हमें निकालना हो। हो, हो, हो। बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो प्रभु यीशु जो दिलन हमें। बड़ा भारी आनंद मन हो गए मगन, हवे सोचो जुबा से बाहर। बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो प्रभु यीशु जो दिलन हमें। बड़ा भारी आनंद मन हो गए मगन, हवे सोचो जुबा से बाहर। बहुते आनंद हो तेजी से धावत रानी, बहुते विनाशक की ओर। तेजी से धावत रानी, बहुते विनाशक की ओर। हमें बोला में प्रभु यीशु जो दिलन हमें। बड़ा भारी आनंद मन हो गए मगन, हवे सोचो जुबा से बाहर। बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो प्रभु यीशु जो दिलन हमें। बड़ा भारी आनंद मन हो गए मगन, हवे सोचो जुबा से बाहर। बहुते आनंद हो अपन वाणी सुने के हमें। बड़ा भारी आनंद मन हो गए मगन, हवे सोचो जुबा से बाहर। बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो, बहुते आनंद हो प्रभु यीशु जो दिलन हमें। बड़ा भारी आनंद मन हो गए मगन, हवे सोचो जुबा से बाहर। बहुते आनंद हो हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा गाए प्रभु यीशु के, खुशियां मनाई नाचे गाए के। महिमा गाए प्रभु यीशु के, खुशियां मनाई नाचे गाए के। महिमा गाए प्रभु यीशु के, खुशियां मनाई नाचे गाए के। महिमा गाए प्रभु यीशु के, खुशियां मनाई नाचे गाए के। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के प्यार हवे बहुते महान, हमरे गुना खातिर दे देले जान। यीशु के प्यार हवे बहुते महान, हमरे गुना खातिर दे देले जान। यीशु के प्यार हवे बहुते महान, हमरे गुना खातिर दे देले जान। यीशु के प्यार हवे बहुते महान, हमरे गुना खातिर दे देले जान। हालेलुया 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 हालेलुया।
यीशु के लव हवे बहुते महान हमरे गुना का मिटा लेला दास यीशु के लव हवे बहुते महान हमरे गुना का मिटा लेला दास यीशु के लव हवे बहुते महान हमरे गुना का मिटा लेला दास यीशु के लव हवे बहुते महान हमरे गुना का मिटा लेला दास हालेलुया 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 यीशु के सामर्थ्य बहुते महान शैतानी बंधन के तोड़े ला जान यीशु के सामर्थ्य बहुते महान शैतानी बंधन के तोड़े ला जान यीशु के सामर्थ्य बहुते महान शैतानी बंधन के तोड़े ला जान यीशु के सामर्थ्य बहुते महान शैतानी बंधन के तोड़े ला जान हालेलुया 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 महिमा गाई प्रभु यीशु के खुशियां मनाई नची गाई के महिमा गाई प्रभु यीशु के खुशियां मनाई नची गाई के महिमा गाई प्रभु यीशु के खुशियां मनाई नची गाई के महिमा गाई प्रभु यीशु के खुशियां मनाई नची गाई के हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे जीवन से उलझा हुआ राही रे यीशु के पास तुम आओ रे जीवन से उलझा हुआ राही रे यीशु के पास तुम आओ रे हालेलुया 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 सब छोड़ रे जिंदगी में अब कुछ छोड़ रे गम का यारा सब छोड़ रे जिंदगी में अब कुछ छोड़ रे हालेलुया 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 यीशु का मृत्यु हुआ है पापों का अंत हुआ है यीशु का मृत्यु हुआ है पापों का अंत हुआ है हालेलुया 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 खुशियां वो बांट रहा है प्रेम की धार वही है खुशियां वो बांट रहा है प्रेम की धार वही है हालेलुया 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 लंबा सफर जिंदगी करे सच्चाई कोई ना जान रे लंबा सफर जिंदगी करे सच्चाई कोई ना जान रे हालेलुया 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 लगाओ रे यीशु के पास तुम आओ रे आके ऊपर को लगाओ रे यीशु के पास तुम आओ रे हालेलुया 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 नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फैलाओ रे
झंडे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी आंखों को बंद कर रखिए, अपने हाथों को ऊंचा उठाइए। हम उस महान और जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं, इसलिए आपका पूरा ध्यान, पूरा मन उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। सचमुच परमेश्वर, तू दया से, प्यार से और सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। तेरी वजह से आज तक हम जिंदा है, ये दिन तूने हमारे जीवन में लाया है और आज फिर तूने हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया है तेरी स्तुति करने के लिए। इसलिए हम दिल से तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरा वचन प्रभु, तेरा वचन कैसा है अद्भुत, तेरा वचन, तेरा वचन प्रभु, तेरा वचन कैसा है अद्भुत, तेरा वचन। तेरे ही वचन से शांति मिली है, आत्मा मेरी रोशन हुई है। तेरे ही वचन से शांति मिली है, आत्मा मेरी रोशन हुई है। वचन है तेरे दीपक मेरे मार्ग में मेरे उजियाला, तेरा वचन, तेरा वचन प्रभु, तेरा वचन कैसा है अद्भुत, तेरा वचन। तेरे ही वचन से भूख बुझी है, आत्मा को मेरे भोजन मिला है। तेरे ही वचन से भूख बुझी है, आत्मा को मेरे भोजन मिला है। सदा के लिए तृप्त हुआ है, नया जीवन दिया तेरे वचन ने। सदा के लिए तृप्त हुआ है, नया जीवन दिया तेरे वचन ने। तेरा वचन प्रभु, तेरा वचन कैसा है अद्भुत, तेरा वचन, तेरा वचन प्रभु, तेरा वचन कैसा है अद्भुत, तेरा वचन। सदा करूँगा ध्यान वचन का, रात और दिन उसे दिल में रखूँगा। सदा करूँगा ध्यान वचन का, रात और दिन उसे दिल में रखूँगा। जीवित और प्रबल है तेरा वचन प्रभु, मेरी आत्मा का रक्षक है। जीवित और प्रबल है तेरा वचन प्रभु, मेरी आत्मा का
तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए सचमुच यूहन्ना ने उसकी किताब में लिखा है, शुरुआत में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा इस सृष्टि की नींव डाली। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर के वचन के द्वारा आज तक स्थिर है। देखिए मनुष्य भूल जाता है, प्राणियां गलती कर बैठते हैं, परंतु ये सूरज ये चांद सितारे आज भी परमेश्वर के वचन के द्वारा स्थिर है और आज भी वो हमें प्रकाश देते हैं, आज भी वो हमें बरसात का पानी दे रहा है। इसलिए उसे दिल से धन्यवाद दो जीवित परमेश्वर को। सचमुच वो परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो जैसे कहता गया वैसा सब कुछ अस्तित्व में आते गया। दिल से उस महान प्रभु को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो जीवित पिता को, धन्यवाद दो पिता परमेश्वर को, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। तेरे प्यार के बदले, तेरे सामर्थ्य के बदले हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हाँ पिता, आज भी हम देख रहे हैं कि जैसा तूने इस पृथ्वी का निर्माण करते समय 6000 वर्ष पहले तूने इस पृथ्वी का निर्माण किया तेरे वचन के द्वारा, और आज भी ये सृष्टि कायम है, स्थिर है तेरे ही वचन के द्वारा। प्रभु सचमुच तू सामर्थ्य से भरा हुआ है, हाँ तू प्यार से भरा हुआ है। तूने हमारे लिए कितने प्रकार के पेड़ पौधे फल फूल का निर्माण किया है, इसलिए हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। सारी सृष्टि गाती है हालेलुया होसाना, मिलजुल कर वे गाते हैं हालेलुया होसाना, ऊंचे स्वर में गाते हैं हालेलुया होसाना, तारा मंडल गाते हैं हालेलुया होसाना, पृथ्वी बादल गाते हैं हालेलुया होसाना, मानव जाति गाती है हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया बजा कर जीवित पिता को दिल से धन्यवाद दो। धन्यवाद सर के पिता, धन्यवाद सर के पिता, धन्यवाद सर के पिता, धन्यवाद सर के पिता, धन्यवाद 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 हे महान पिता, हम तेरे प्यार के बदले तुझे दिल से
से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो स्वर्गीय पिता ने हम पर कितना अनुग्रह किया है। आज तक हम जीवित हैं, हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक ये सारा शरीर उसने उसके पवित्र हाथों से निर्माण किया है, इसलिए उसे दिल से धन्यवाद दो। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। हाँ तूने हमें बनाया है, तूने हमारी रचना की है, ये हमारा स्वरूप, ये हमारा अस्तित्व तेरी वजह से है, तेरी वजह से हमारे शरीर में श्वास शुरू है, तेरी वजह से हमें जीवन मिल गया है। हे पिता, तूने हम पर कितना अनुग्रह किया, कितना प्यार किया है कि तेरे इकलौते एक पुत्र के द्वारा तूने हमारे जीवन को तेरी रोशनी से, शांति से, प्रकाश से भर दिया है। इसलिए हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद दो, क्योंकि उसी की वजह से आज हमारे जीवन में सच्चा आनंद आ गया है। उसने हमारे घर परिवार को आशीषित किया है, उसने हमारे काम धंधा को आशीषित किया है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद दो, क्योंकि माँ से बढ़कर प्यार करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह हमारे संग हर घड़ी हर पल मौजूद रहता है। हमारे जीवन में आए हुए सारे संकट के समय पर, दुख के दिनों में, परेशानी के दिनों में वो प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ नहीं देता, बल्कि हर घड़ी वो हमारे संग खड़ा रहता है। दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तूने हमें चंगाई दी है, तूने हमें मुक्ति दी हुई है। हाँ प्रभु, तूने हमें शैतान के बंधन से मुक्त किया है, इसलिए हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से ये गान उनका गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से ये गान उनका गाओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस प्रभु यीशु मसीह की ओर, जिसकी वजह से हमारा उद्धार हो गया, हमें छुटकारा मिल गया, जिसकी वजह से हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है, जिसके लहू में हमारे अपराध धोए गए और जिसके मार खाने से हम चंगे हो गए, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर उसने हम अपनी जान दे दी। देखिए उसकी क्रूस की ओर, आइए उसकी क्रूस के सामने और याद कीजिए उसके दुख सहन को। हम पर पड़ने वाली सारी ताड़नाओं को उसने उसके देह के ऊपर ले लिया। हाँ, वो हमारे खातिर तड़प रहा था, हमारे खातिर वो व्याकुल बन गया, हमारे खातिर उसके शरीर का पूरी तरह से हाल हाल किया गया। देखिए हमारे प्रभु की ओर, जब उसके शरीर के ऊपर 39 चाबुक के फटके पड़ रहे थे, उस समय पर उस चाबुक में लगे हुए हर एक तार उसके शरीर में चुभ रहे थे, उसके शरीर में आर पार घुस रहे थे, भयानक मार उसने हमारे लिए सहन किया। प्रभु से कहिए, प्रभु सचमुच तूने हमें बचाया है, मेरे पापों को तूने अपने देह के ऊपर ले लिया। हाँ प्रभु, तूने मेरी जगह ले ली, मेरे लिए तूने अपना लहू बहने दिया, मेरे लिए तूने सारी यातनाएं सहन कर ली। प्रभु यीशु तुझे दिल से धन्यवाद, प्रभु यीशु तुझे दिल से धन्यवाद, प्रभु सचमुच तूने हमें बचाया है, तूने हमें बचाया है उस क्रूस के बोझ को अपने कंधों पर लेकर के, जिस घड़ी तू कालवरी के पहाड़ पर चढ़ रहा था। प्रभु वो मेरा पाप था, वो हमारे अपराध थे, हमारे पाप इतने भयंकर थे, जिसे लेकर के तू खुद कालवरी के पहाड़ पर चढ़ा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस घड़ी वो क्रूस का बोझ लेकर कालवरी के पहाड़ पर चढ़ रहा था, उस घड़ी वो बोझ इतना भयंकर बन चुका था, जिसे लेकर के वो 3 बार नीचे गिरा, उस क्रूस के नीचे वो दब रहा था, घायल अवस्था में शरीर से उसके लहू निकल रहा था, शरीर पर जख्म बने हुए थे और उसके शरीर के ऊपर वो क्रूस का बोझ आकर पड़ रहा था। देखिए प्रभु की ओर और दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु तुझे दिल से धन्यवाद, तुझे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने इन हाथों से बुरे पाप करते हैं, पैरों से बुरा काम करते हैं, और जिसका परिणाम उसके हाथ और पैरों के ऊपर हुआ, हम अपने दिमाग से बुरे विचार करते हैं, और जिसकी वजह से उसके सर के ऊपर कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके हाथ और पैरों में खिले ठोके गए और उसे क्रूस के ऊपर टांगा गया। हे प्रभु यीशु, सचमुच तूने हमें बचा लिया है,
हमारे पापों की सारी सजा अपने ऊपर लेकर क्रूस के ऊपर अपनी जान दे करके तूने हमें छुटकारा दिया है, तूने हमें श्रापों से मुक्त किया है, तूने हमें शैतान के बंधन से छुड़ाया है। प्रभु यीशु तू हमारा मुक्तिदाता है, तू हमारा चरवाहा है। हाँ प्रभु तुझसे हमें जीवन प्राप्त हो गया है, प्रभु तेरे द्वारा हमें चंगाई मिल गई है। प्रभु तुझे दिल से धन्यवाद, तुझे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मुक्ति दिलाईशु नाम, शांति दिलाईशु नाम, शांति दिलाईशु नाम, मुक्ति दिलाईशु नाम, शांति दिलाईशु नाम, शांति दिलाईशु नाम। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए अभी हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, इसलिए जिसे संभव है वे घुटने पर आ जाइए। अपने हाथों को ऊंचा उठाइए, अपनी आंखें बंद करके उस महान परमेश्वर की आराधना करो, उसकी उपासना करो। देखो वो परमेश्वर
स्वर्ग में विराजमान है, परंतु उसने उसके पैरों को इस पृथ्वी पर टेके हुए हैं और वो हमारे मध्य मौजूद हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करो, उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम की प्रशंसा करो, उसके जय जयकार करो, क्योंकि उसका नाम स्तुति के योग्य है। हाँ वो प्रशंसा के काबिल है। दिल से प्रभु को धन्यवाद दो। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। हम तेरे महान नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू हमारा प्रभु है, तू हमारा स्वामी है, तू आदि और अंत है, तू अल्फा ओमेगा है, तू ही शुरुआत और अंत है। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं। प्यासा हिरण जैसे धुने है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे धुने है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। करता रहूं मैं तेरी पूजा नित दिन, करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे धुंधे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। भरता रहूं मैं मन तेरे प्रेम से, भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। झरता रहूं मैं पुष्प पराग सा, झरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। डरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, प्रभु मैं तुझे
हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर वो मर गया, परंतु मरने के तीसरे दिन वो जिंदा हो गया और आज भी वो जिंदा है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उसने कहा कि संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। शरीर के रूप में वो हमारे संग नहीं रह सकता था, इसलिए उसने पवित्र आत्मा भेज करके वो हमारे दिल में हमेशा वास करता है। आज भी उसके पास विश्वास से मांगने वालों को वो उसका पवित्र आत्मा देता है, इसलिए अपने हाथों को ऊंचा उठाइए और मांगिए उससे पवित्र आत्मा, बुलाइए उसके पवित्र आत्मा को अपने दिल में। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, हमारे दिल में आ जा, हमारे दिल में आ जा, आ तेरा प्यार लेकर आ, तेरे सामर्थ्य से तू हमें भर दे, तेरे धधकती हुई आग लेकर हमारे मध्य तू उतर आ। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तेरी शांति लेकर आ, तेरा आनंद लेकर आ और तेरे संयम से तू हमें भर दे। आ पवित्र आत्मा, पावन आत्मा अंतरयामी, पावन आत्मा अंतरयामी, बरसा दू अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया, अपनी शांति बरसा दो, अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति, पावन आत्मा अंतरयामी, पावन आत्मा अंतरयामी, पावन आत्मा अंतरयामी, पावन आत्मा अंतरयामी, बरसा दो अपना दान, अपना दान, अपना दान, अपना दान, अपना दान।
धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास बाइबल है आप देखिए, प्रेरित पौलुस की तिमुथियुस के नाम पहली पत्री अध्याय 4 वचन 7 और 8। प्रेरित पौलुस की तिमुथियुस के नाम पहली पत्री अध्याय 4 वचन 7 और 8 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस बता रहा है अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहें और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति की साधना से बहुत कुछ लाभ होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भक्ति की साधना सब बातों के लिए लाभदायक है, ऐसा पौलुस बता रहा है। और आगे वो वजह दे रहा है, क्योंकि इस समय के लिए और आने वाले जीवन के लिए अर्थात अनंत जीवन की प्रतिज्ञा भी इसी के लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दुनिया बहुत सारी बातों से भरी हुई है और इन बातों को सुनते रहने से, उन्हें देखते रहने से और इनमें पूरी तरह से मगन हो जाने से लोगों का दिमाग उसी में पड़ा रहता है और जानते नहीं हैं कि इन बातों के द्वारा हमें क्या लाभ होने वाला है, हमें क्या फायदा होने वाला है। प्रेरित पौलुस बता रहा है कि तुम अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अपने आप को अलग रखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में बहुत बातें हैं, बहुत कहानियां हैं और हमें उन्हें सुनने में, देखने में, उनके बारे में बहुत कुछ सोचने में दिलचस्पी लगती है, पर जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और जो परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, उनके लिए सलाह है कि उनसे अलग रहना और भक्ति की साधना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों को सिनेमा देखना कितना अच्छा लगता है, टीवी के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो सीरियल्स आती है उन्हें देखना कितना अच्छा लगता है,
हम जानते हैं कि ये सारी झूठी बातें हैं, अशुद्ध बातें हैं, और इनसे ना हमारे शरीर का कोई लाभ है, ना हमारी आत्मा का कोई लाभ है। तो भी लोग इन्हें देखना, इनके बारे में सोचना, इनके बारे में बोलना पसंद करते हैं। ये तो मैंने आपको टीवी और सीरियल के बारे में बताया। दुनिया में अनगिनत बातें हैं जो अशुद्ध है, और जिन्हें कहानी की तरह हम बोल सकते हैं, जिनके द्वारा हमारा कुछ भी लाभ नहीं होता है, तो भी हम इन्हें सुनते जाते हैं, देखते जाते हैं, बोलते जाते हैं, लाभ कुछ नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनमें सच्चाई कहीं भी नहीं रहती है, और इन्हीं बातों में मगन होकर हम अपने आप का नुकसान करा लेते हैं। पौलुस बता रहा है भक्ति की साधना करना, भक्ति की साधना करना अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता पाने के लिए कोशिश करना, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के लिए, बनाने के लिए कोशिश करो। इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। ये भक्ति की साधना है, यानी ये पाने के लिए और ये करने के लिए, इसे हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे वो बोल रहा है, क्योंकि शरीर की साधना कम लाभदायक है। लोगों का ध्यान अपने शरीर के ऊपर रहता है, और शरीर की साधना पूरी दुनिया ही करती है। हर किसी का ध्यान अपने शरीर के ऊपर रहता है, और शरीर को संभालने के लिए, शरीर को अच्छा रखने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की जाती है। हालेलुया। शरीर की साधना करने से बिल्कुल लाभ नहीं होता, ऐसा नहीं बताया है, बल्कि वचन कहता है शरीर की साधना से कम लाभ होता है। इसका मतलब आप शरीर कमाने के लिए कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे पास एक अच्छा तंदुरुस्त शरीर हो। आपकी मेहनत से आप एक अच्छा खासा तंदुरुस्त शरीर पाओगे, पर आखिर तो ये शरीर ही है जो मिट्टी का बनाया है, एक दिन उसे मिट्टी में यकीनन जाना है। आप 25 साल के हैं, 35 साल के हैं, 45 साल के हैं, तब तक आप बोल सकते हैं कि मेरे पास एक तंदुरुस्त शरीर है, मैं दिन में इतने बार एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, इतना घंटा चलता हूँ, इतना घंटा ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। 50 के बाद आपका शरीर दुबला होना शुरू हो जाएगा। कितनी भी मेहनत करो, पर आखिर ये शरीर है, आपने कितना भी संभाला तो भी ये कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। एक 15 साल, 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, 30 साल के बाद शरीर में कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगा, बीमारियों का आना शुरू हो जाएगा, आपके काले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, आपके दांतों का गिरना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे लोग आपको बूढ़ा बोलना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को आदत होती है कि बूढ़ों की मजाक उड़ाकर उनको बूढ़ा बोलने में उनको अच्छा लगता है, पर ये भूल जाते हैं एक दिन आपको भी बूढ़ा बनना है, और आपके भी बच्चे, पोते सब आपको भी बूढ़ा ही बोलेंगे। आज आप जवान हैं तो ये बूढ़ा, ये बूढ़ी ऐसा पुकार रहे हैं, एक दिन आपके साथ भी वही होने वाला है। मनुष्य का शरीर परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है, ये फिर से मिट्टी में जाता है, और इसीलिए पौलुस लिख रहा है कि शरीर की साधना कम लाभदायक है। कई औरतें अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, अपने आप को कितना सजाते धजाते हैं, खूबसूरत दिखनी चाहिए। क्या आपकी खूबसूरती हमेशा के लिए ऐसी रहेगी? नहीं रह सकती है, यह शरीर है।
कितने सारे लोग खाने पीने में परहेज करते हैं, ये नहीं खाना चाहिए, इससे वजन बढ़ता है, ये खाएंगे तो ये बीमारी आ जाएगी, वो खाएंगे तो वो बीमारी आ जाएंगी, यही खाना है, ये नहीं खाना है, वो खाना है, वो नहीं खाना है, कितनी सारी बातों को परहेज करके अपने आप के ऊपर काबू रखते हैं, शरीर की साधना चल रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खाने पीने में भी बीमारी नहीं है तो भी परहेज किया जाता है। कितने सारे लोग बिना बीमारी भी परहेज करते हैं, ये सोचकर कि आगे जाकर हमें बीमारी नहीं होनी चाहिए। डायबिटीज नहीं है तो भी अभी से ही मीठा खाना कम कर दिया है। डायबिटीज आगे हो जाएगा या नहीं पता नहीं, पर अभी से मीठा खाना कम कर दिया है, क्योंकि इतने सारे लोगों को डायबिटीज हो गया है तो न जाने मुझे भी हो जाएगा, तो मैं अपने आप को अभी से संभाल के रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग शरीर की साधना करना अच्छे से जानते हैं, शरीर के लिए मेहनत करना अच्छे से जानते हैं, शरीर को संभाले रखना अच्छे से जानते हैं, पर वचन कहता है कि शरीर की साधना कम लाभदायक है। उससे आपको फायदा तो ज़रूर होगा पर बहुत थोड़ा फायदा होगा। यदि आप भक्ति की साधना करोगे तो उस बात में आपको सब बात के लिए फायदा हो जाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि भक्ति की साधना सब बातों के लिए लाभदायक है। इसका मतलब आपके शरीर के लिए भी वो लाभदायक है और आपकी आत्मा के लिए भी लाभदायक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कितने सारे लोग कहते हैं ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये खाने से ये बीमारी आ जाती है, वो खाने से वो बीमारी आ जाती है, और अपने आप को बहुत संभाले रखते हैं। ये है उनकी शरीर की साधना। कई लोग भक्ति की साधना करते हैं, यानी जो भी खाते हैं खाने के पहले परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये तूने मेरे लिए बनाया है, ये चीज तूने मेरे लिए बनाई है, तुझे धन्यवाद। और परमेश्वर का धन्यवाद करके वो चीज खाते हैं, उस चीज के द्वारा उनके शरीर को कुछ भी हानि नहीं होती है, बल्कि शरीर का फायदा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस ने एक जगह पर ऐसा भी लिख कर रखा है कि परमेश्वर ने बनाई हुई हर एक चीज अच्छी है। आपने उसको अलग अलग नाम देकर रखा है, ये खराब है, वो खराब है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सृजी हुई, परमेश्वर ने बनाई हुई हर एक चीज, हर एक वस्तु अच्छी है। और धन्यवाद करने से जो खाते हैं, धन्यवाद करने से जो उनको ग्रहण करते हैं, उनका धन्यवाद और परमेश्वर के वचन के द्वारा वह चीज शुद्ध बन जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ ही दिन पहले एक बहन ने यहाँ पर गवाही दी थी कि उनको दमा की बीमारी थी और कितने साल से, कितने समय से उन्होंने केला नहीं खाया था, क्योंकि केला खाने से उनका दमा बढ़ जाता था और इतनी खांसी होती थी कि रात भर वो सो नहीं पाती थी। एक बार जब यहाँ पे केला बांटा गया था, उसका दिल हो रहा था पर डर भी लग रहा था कि यदि खाऊंगी तो अस्थमा बढ़ जाएगा। उसने अपने बेटे से पूछा, क्या मैं खाऊं इसे? बेटी कहती है, अपना प्रभु समर्थ है, विश्वास के साथ खा लेना, विश्वास के साथ इसे खा लेना। और उसने वो केला, एक नहीं दो केले खाए और ऐसा चमत्कार हो गया कि उस दिन के बाद उनका अस्थमा खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने कहा है कि धन्यवाद और परमेश्वर के वचन के कारण वह चीज़ शुद्ध बन जाती है। जब उसकी बेटी ने उससे कहा, हमारा प्रभु जिंदा है, विश्वास के साथ इसे खा डाल, तब ये केला एक बहुत बड़ा दैवीय दवा बनकर उसके शरीर में काम करने लगा।
जिसके बारे में दुनिया कहती है केला से दमा बढ़ जाता है, ये केला ये बहन के शरीर में एक बड़ा स्वर्गीय दवा बनकर काम कर दिया और उसका दमा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हालेलुया। इसलिए पौलुस लिख रहा है, भक्ति की साधना सब बातों के लिए लाभदायक है। शरीर की साधना थोड़े ही लाभ की है, थोड़े ही समय के फायदे के लिए है, पर जो भक्ति की साधना करते हैं उनके शरीर का भी फायदा होता है और उनके आत्मा का भी फायदा होता है। आप जो लोग यहाँ लंबे से हमेशा हर सप्ताह या महीने में एक बार दो बार प्रार्थना में आते हैं, यहाँ प्रार्थना में भाग लेते हैं, जब आप घर से निकलते हैं कितने बार शैतान आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करता है, कितने बार शैतान कहता है मत जाना वहां पर, इतने दूर जाने में क्या मिलने वाला है, कभी रिक्शा नहीं मिलेगी, कभी बस नहीं आएगी, कभी रिक्शा वाला किराया ज्यादा लेता है और तरह तरह की रुकावटें आ जाती है। मन में शैतान बोलते रहता है मत जाना मत जाना मत जाना। कभी कभी कई लोगों को कुछ बीमारी भी शुरू होती है, यहाँ आने का नाम लिया तो बीमारी शुरू हो जाती है, पर ये लोग उसी हालत में यहाँ पहुँचते हैं, मतलब क्या करते हैं, साधना करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, परिश्रम उठाते हैं, प्रभु के पास आने के लिए परिश्रम उठाते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं और जैसे परमेश्वर के घर में पहुँच जाते हैं स्वर्ग से परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो जाता है और परमेश्वर उनके दिल को शांति से भर देता है, उनके शरीर की बीमारी को निकाल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शरीर की साधना से लाभ जरूर होता है पर वो थोड़ा होता है, परमेश्वर की उपासना करने से और भक्ति करने से, ये जो हम परिश्रम और मेहनत करते हैं जिससे भक्ति की साधना कहा गया है, इससे करने से बहुत कुछ लाभ होता है, हमारे शरीर का भी लाभ होता है और आत्मा का भी लाभ होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया इस बात से अनजान है, इसलिए मूर्खपन की झूठी बातों में अपने आप को मगन करके रखते हैं और झूठी बातों में अपना दिमाग डाल के रखते हैं, फायदा कुछ नहीं होता है। आप यहाँ पे बैठे हो, इससे अच्छा आप घर पे बैठ सकते थे और टीवी पर दुनिया भर की बातें देख सकते थे। यहाँ पे बैठे हैं, इससे अच्छा आप आपके पड़ोसन के घर पे जा सकते थे और बहुत सारी बातें कर सकते थे, कितने सारे लोगों की बुराई कर सकते थे। बुराई करना ज़्यादातर बहनों का एक मनपसंद धंधा है, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसने क्या किया उसने क्या किया, इसके साथ क्या हो गया उसके साथ क्या हो गया, दूसरों की बुराई करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं और घर लौटने के बाद पति के साथ झगड़ा होता है, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, पैसा हाथ में टिकता नहीं है, क्या हो गया, दुनिया भर की बुराई करके अपने घर में लौट आ गई तो दुष्ट आत्मा भी साथ घर आ गई और झगड़ा चालू हो गया, घर में बहस चालू हो गया, बच्चों का उल्टा बर्ताव शुरू हो गया। ऐसी बहनें जब प्रार्थना में आती है, वचन सुनने से वे जानती है कि आज तक जो हुआ गलत हुआ, अब से प्रभु के वचन के अनुसार चलना चाहिए, वे पड़ोसन के घर पे जाना और बुराई करना बंद कर देती है। इससे भला घर में बैठकर प्रार्थना करती है, वचन को पढ़ती है, परमेश्वर के वचन को सुनती रहती है। ऐसा करने के कारण क्या होता है, घर का माहौल बदल जाता है, दुष्ट आत्माएं निकल जाते हैं, झगड़े बंद होते हैं, बच्चों में सुधार नजर आता है, परिवार में आशीष दिखने शुरू होते हैं। क्या हो गया, दूसरों के घर में जाकर ये वो सारी बुरी कहानी में अपने आप को मगन करना बंद कर दिया और भक्ति की साधना करने लगे, भक्ति की साधना, प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने लगे, वचन को सुनने लगे। जो बहनें दिन रात प्रार्थना में, गाना गाने में, परमेश्वर के भजन करने में मगन रहती है, काम करते हो, घर में हो,
विश्राम करते हो, हर समय परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का भजन गाते हैं, समय जैसा जैसा मिलता है प्रवचन सुनते हैं या बाइबल को पढ़ते जाते हैं, उनके घर में बहुत बड़ी रोशनी आ जाती है। परमेश्वर की रोशनी, स्वर्ग की रोशनी। हमें भक्ति की साधना करनी चाहिए, परमेश्वर के पीछे लगना चाहिए, उसे हासिल करने के लिए, उसका अनुग्रह पाने के लिए, उसकी कृपा पाने के लिए, उसका प्रेम, उसके आशीष, उसकी शांति, उसका आनंद हमें मिलना चाहिए, हमारे परिवार को मिलना चाहिए। और इसीलिए हमें भक्ति की साधना करना ज़रूरी बात है। दुनिया की सारी गलत बातों से हमें अपने आप को अलग रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम अंधकार में थे, प्रभु को नहीं जानते थे, तब ये सारी बातों में मगन होकर चलते थे। पर जैसे ही हमने प्रभु को जान लिया है, सच्चाई को जान लिया है, तो हमें अंधकार की बातों से अपने आप को अलग करना चाहिए। शैतान की बातों से, सारी बुरी बातों से हमें अपने आप को अलग करना चाहिए और परमेश्वर के लिए समय निकालना चाहिए। हमारा दिल, हमारा मन, हमारी आत्मा पूरी तरह से परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए और दिन रात हमें परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए, उसका अनुग्रह पाने के लिए, उसकी शांति और खुशी पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और इसी कहा गया है, भक्ति की साधना करो। भक्ति की साधना इसे इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा है। यानी जितने सारे लोग दिन रात परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, उसे पुकार रहे हैं, अपने मन में उसको याद कर रहे हैं, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, वे सारे लोग इस धरती पर परमेश्वर के आशीषों को पाएंगे और आने वाले जीवन का यानी अनंत जीवन की प्रतिज्ञा भी उनको दी गई है कि वे सारे के सारे लोग जब उनका धरती का जीवन खत्म हो जाएगा, वे परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंचेंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया का अंत का समय है। शैतान बड़े पैमाने में दुनिया में काम कर रहा है और उसने नए नए तरीके बनाए हैं लोगों को उसके पास रखने के लिए। नए नए तरीके, शैतान नई नई चीज़ें पेश कर रहा है। ये नई नई बातें, नई नई योजनाएं वो इसलिए बना रहा है कि लोग उनकी ओर देखते रहे, उसी में मगन हो जाए और परमेश्वर की ओर कभी ना मुड़े। हालेलुया, हालेलुया। आपके जवान बेटे, जवान बेटियां एक बार मोबाइल हाथ में लिया कि छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मोबाइल में शैतान ने इतनी सारी बातें उनके लिए रखी है, इतनी सारी बातें कि एक बार उन्होंने मोबाइल हाथ में लिया कि वो छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। या तो वे दुनिया भर की वीडियोस देखते रहते हैं या तो गेम खेलते रहते हैं। मोबाइल के गेम कितनी खतरनाक बात है, आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे। मोबाइल के जो गेम है, एक भयानक ऐसी खतरनाक बात है जिनके द्वारा शैतान कई सारे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। लोग उसी में डूबे हुए हैं। कितने माँ बाप रोते हैं, हमारे बच्चे मोबाइल छोड़ते ही नहीं है, रात 2 बज गए 3 बज गए मोबाइल में ही रहते हैं। और यदि हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर ही गुस्सा करते हैं। मोबाइल को लेकर बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर गुस्सा करते हैं और माँ बाप का अपमान करते हैं, यहाँ तक कि भूल गए हैं कि परमेश्वर की इच्छा है और आज्ञा है कि हमें अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए और माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। भूल गए हैं क्योंकि शैतान ने उनको ऐसी जगह पे अटका के रखा है कि वे वहाँ से बाहर नहीं आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अंत के समय के सारे चिन्ह है कि शैतान ने तरह तरह की बातें बनाई है, तरह तरह की बातें, और उसी में लोगों को फंसा कर रखा है। ऐसे भयानक जाल वो डाल रहा है कि लोग उसके अंदर फंसते जा रहे हैं।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपका दिल प्रभु की ओर लग रहा है और यदि आप परमेश्वर के पास आए हो, इसका मतलब परमेश्वर ने स्वर्ग से आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, बड़ी दया की है। परमेश्वर के अनुग्रह के सिवाय इस समय में कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी आपका मजाक उड़ाते होंगे, पागल हो गया है, हर सप्ताह प्रार्थना के लिए जाता है, क्या मिलता है वहाँ जाने से? वहाँ जाने से क्या मिलता है? पागल हो गए हो तुम लोग? आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, कितने सारे लोग आपका मजाक उड़ाते होंगे, क्योंकि उनको शैतान ने अंधकार की बातों में फंसा कर रखा है। वे नहीं समझ रहे कि हम जाल में अटके हुए हैं। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके सत्य के रास्ते से चल रहे हैं, वो किसी जाल में अटके हुए नहीं है, बल्कि वे स्वतंत्र लोग हैं, वे आज़ाद हैं। परमेश्वर ने उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया है। यदि आपका बेटा मोबाइल में 4-4 घंटा, 6-6 घंटा बैठा रहता है, इसका मतलब आपका बेटा मोबाइल का गुलाम बन गया है। दुनिया के सारे लोग पाप के गुलाम बन गए हैं। कितने सारे लोग अंधकार के कामों में व्यस्त है, क्योंकि वे पाप के गुलाम है। जहाँ काम करते हैं वहाँ रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेते जाते हैं, इसको फंसाओ, उसको फंसाओ, इसका नुकसान करो, उसका नुकसान करो। लोग पाप के गुलाम है। जिन्होंने प्रभु यीशु को पहचाना है और उस पर विश्वास करके जो सच्चाई के रास्ते से चल रहे हैं, वो गुलाम नहीं है, बल्कि वो आज़ाद है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पापों की क्षमा दी है और पाप के बंधन से हमें मुक्त किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप यहाँ बैठे हो, इसका मतलब आपके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। जो सारे लोग YouTube पर वचन को सुनते हैं और उनका मन उनमें लगता है, उनके ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। हालेलुया। तो हमें इस अनुग्रह को खोना नहीं है। भक्ति की साधना करते जाओ, यानी परमेश्वर को पाने के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की खुशी, शांति पाने के लिए कोशिश करते जाओ, परमेश्वर की पवित्रता पाने के लिए कोशिश करते जाओ, उसी के पीछे लगे रहो और उसके लिए परिश्रम करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। लोग शरीर के लिए परिश्रम करते हैं, 8 घंटा कंपनी में काम करते हैं, ऑफिस में ड्यूटी करते हैं। कितने सारे लोग शरीर को सजाते हैं, धजाते हैं, और कितने सारे लोग शरीर को संभालते हैं। ये सारी शरीर की साधना है। हमें भक्ति की साधना करना है। बहुत प्रार्थना करो। आप यहाँ हर सप्ताह प्रार्थना में आते हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर साथ ही साथ घर में हर दिन प्रार्थना करो। कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करो। ये मत सोचो कि मेरा काम का समय निकल जाएगा या मैं धंधे पे देरी से जाऊंगा तो धंधा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे विचार अपने मन में मत लाओ, क्योंकि भक्ति की साधना सब बातों के लिए लाभदायक है। घर में कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करो हर दिन। बहुत बाइबिल पढ़ो, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, वचन को अंदर लेते जाओ। परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा का भोजन है। आप शरीर का भोजन दिन में 3 बार लेते हैं ना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और बीच बीच में भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। शरीर के लिए कितनी मेहनत करते हैं, शरीर का खाना इतना खाते हैं, तो आत्मा का खाना कितना खाना चाहिए। परमेश्वर के वचन ये हमारे आत्मा का भोजन है। जब हम इनको खाते हैं, यानी अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, हमारी आत्मा रोशनी से भर जाती है और दुर्बल आत्मा मजबूत बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि खाना न खाने से शरीर कमज़ोर पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर के वचन को अंदर न लेने से आत्मा दुर्बल बन जाती है। इसलिए हर दिन बाइबिल पढ़ो, हर दिन परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले लो,
भक्ति की साधना करो, परिश्रम करो उस महान परमेश्वर को पाने के लिए, मेहनत उठाओ उस महान परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ पाने के लिए, पसीना बहाओ, कोशिश करो उसकी खुशी और शांति पाने के लिए। यदि आप भक्ति की साधना करते जाओगे, परमेश्वर आपके करीब रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको यहाँ आशीषित करेगा, आपके हर मार्ग में उसके स्वर्गदूत वो आपके साथ रखेगा, आपकी वो रक्षा करेगा, धरती का आपका जीवन खुशी से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा, आप सफल होते जाओगे और ये जीवन खत्म होने के बाद परमेश्वर आपको स्वर्ग का अनंत जीवन देगा, जहाँ पर अनंत काल हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बहुत पैसा पाने से हम स्वर्ग में नहीं जाने वाले हैं, यहाँ मजबूत शरीर पाने से हम स्वर्ग में नहीं जाने वाले हैं, बल्कि जितने भक्ति की साधना करते हैं यानी परमेश्वर के पीछे पड़े हैं और जो परमेश्वर को पाने के लिए, उसकी धार्मिकता पाने के लिए कोशिश करते हैं, वे ही लोग एक दिन अनंत जीवन में पहुँच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान करके हमें शैतान के हाथ से छुड़ाया है और अभी वो नहीं चाहता है कि फिर एक बार हम अंधकार में जाए, बल्कि वो चाहता है हमारा जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका नाम बताइए। रवीना भारती, रवीना भारती। क्या गवाही है? मेरी ये बच्ची पेट में थी, अप्रैल में 17 तारीख को मेरी डिलीवरी हुई है। 15 तारीख से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकूं। मैं गवर्नमेंट में गई, मेरे पास मेरे कोई नहीं था, मम्मी सास ससुर कोई नहीं था, और मैं गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ गई, मेरी 15 तारीख से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इतना मुझे तकलीफ थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगी। मेरे उस समय आपका कितना महीना शुरू था? 9वां महीना शुरू था। डॉक्टर ने बोला था कि 21 मई को डिलीवरी हो गई, लेकिन मैं चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने बोला कंडीशन ठीक नहीं है, डिलीवरी जल्दी होगी। और मेरे को पीलिया भी था, पीलिया भी हुआ था आपको? मेरी बच्ची को भी पीलिया था, मुझे भी। और मेरे हाथ पर इतना सूखने लगे थे, मुझे नहीं लग रहा था कि अब मैं बचूंगी। मेरे बच्ची को संभालने वाला कोई नहीं। मैं सोचती थी कि मेरी पड़ोसी भाभी थी, ये थी गांव में, और मेरी एक भाभी है वो गई थी साथ में। उन्होंने 15 तारीख को, मैं जब हाथ पकड़ के उनका रोने लगी रात दिन कि मैं नहीं बचूंगी, तो उन्होंने मेरे लिए मेरे हस्बैंड को भेज के घर से मिट्टी और तेल मंगाया और उन्होंने मेरे पेट पे लगाया और मुँह में तेल डाला और उन्होंने मेरे कानों में प्रार्थना की। जैसे प्रार्थना स्टार्ट की वैसे ही मुझे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ा। इसने प्रार्थना मतलब शुरू की? वो भाभी ने प्रार्थना, एक पहचान की आपकी भाभी है, उन्होंने? हाँ, उन्होंने प्रार्थना करवाई और जैसे प्रार्थना शुरू हुई वैसे ही मेरा दर्द बढ़ते गए। वो खुद फ़ोन पर प्रार्थना कर रही थी या कैसे? उन्होंने प्रार्थना सुनाई मुझे फ़ोन से। फ़ोन पर से प्रार्थना जो है वो आपको मोबाइल पर सुनाई? हाँ, कानों में मेरे सुनाई। और इतना दर्द मुझे बढ़ते गया, ऐसा लग रहा था कि जो वो प्रार्थना में जो बोल रहे ना, मुझे साक्षात वो मेरे साथ हो रहा है और प्रभु का मुझे दीवार पर साक्षात तस्वीर दिखा। और इतना जल्दी मुझे छुटकारा, 20 मिनट में मेरी डिलीवरी हो गई। डॉक्टर 20 मिनट में डिलीवरी हो गई, जबकि आपकी 3 दिन से परेशान थी? मुझे 3 दिन से परेशानी थी। आप बताइए, आप आज यहाँ पर प्रार्थना में कब से आते हैं? मैं पहली बार आई। आज यहाँ पहली बार आए हैं आप यहाँ पे प्रार्थना में? इसके पहले आप कभी प्रार्थना में आए नहीं थे? नहीं, मैंने प्रभु का अच्छे से तस्वीर भी कभी नहीं देखा था। लेकिन मैं ये सोचने लगी प्रार्थना के बाद कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल में ही आपको प्रभु की तस्वीर नजर आई, दिखाई दे रही थी? हॉस्पिटल में ही मुझे नजर आई। हॉस्पिटल में एकदम ऐसा लग रहा था ना कि मैं इतने तकलीफ में जूझ रही हूँ, प्रभु अपना मतलब मुझे मेरे सर पे अपना हाथ रख दिए। और इतना मैं खुशी से मैंने उनको बोला कि मैं आऊँगी। मेरे सामने सब लोग थे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी भाभी डॉक्टर, पर मुझे प्रभु दिख रहे थे। और इतना बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ कि मुझे नहीं लगता था मैं बचूंगी। आपको लग नहीं रहा था कि आप बचेंगे, इतनी आपकी हालत खराब हो गई थी। आपको पी लिया, आपके बच्चे को पी लिया था, आपका बदन सूख गया था, इसीलिए सूख गया था मेरे एक
एकदम ऐसा लगता था कि पूरा एकदम कितने दिन 10 दिन से मैं इस कंडीशन में रहूं, ऐसा मेरा शरीर सूखा था। ये आपकी पहली डिलीवरी है? मेरी दूसरी डिलीवरी है। दूसरी डिलीवरी है तब भी ऐसी परेशानी? हाँ, मुझे नहीं लगता था कितना तकलीफ होगी। मैं मुझे लगता था दूसरी डिलीवरी है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी। और जिस समय पे वो बहन आपको फोन पर से प्रार्थना सुना रही थी, वो कौन सी, छुटकारे की प्रार्थना थी? हाँ, छुटकारे की प्रार्थना थी। तो प्रार्थना सुनते समय आपको प्रभु की प्रतिमा, प्रभु की तस्वीर नजर आई? हाँ, मुझे हॉस्पिटल में ही। और फिर जब मेरा छुटकारा मुझे मिल गया और मैंने अपने मन में फिर बोला, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने वो तेल लिया और मैंने खुद से बोला, भाभी का हाथ पकड़ के जिन्होंने प्रार्थना की, आपने मेरे लिए बहुत बड़ा वो किया, मैं कभी एहसान नहीं भूलूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बच पाऊंगी। प्रभु यीशु ने आपको बचाया जबकि आपको प्रभु के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी? मुझे पता था कुछ नहीं, बस मैं सुनती थी, लोग बात करते थे, प्रार्थना करते थे, ऐसा आते जाते, लेकिन मैं कभी ध्यान नहीं देती थी। प्रभु ने आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो गई है, आपकी बेटी है? हाँ, मेरी लड़की है। उन्हें सुंदर बेटी देख करके आपको आशीषित किया है? धन्यवाद प्रभु। और इतना मतलब कंडीशन खराब होने के बाद मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और मैंने बोला, मैं फिर से, मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा, मैंने बोला ये मिट्टी और ये तेल फिर से मैं मुंह में डाल रही हूँ, अगर मुझे फिर चमत्कार दिखेगा, मुझे एक सेकंड में चमत्कार दिखना चाहिए, मैं जाऊँगी, मैं सब छोड़ दूँगी। और मुझे तुरंत दिखा और मैं रोने लगी, मेरा शरीर पूरा कांप उठा, पूरा शरीर आपका कपकपा गया। और मुझे बहुत विश्वास, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अब मैं मानती हूँ और मुझे बहुत विश्वास है, मुझे जाना है। इस पर आपके पति ने क्या बताया आपको? हाँ, ठीक है, क्योंकि इतना सब कुछ होने पर प्रभु यीशु ने आपकी बहुत बड़ी मदद की, इतने बड़े चमत्कार से आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो गई, जबकि आपने प्रभु को कभी देखा भी नहीं ठीक से, प्रभु ने आपको दर्शन दिया और इसीलिए आज आप यहाँ पे पहली बार गवाही देने के लिए आए। पहली बार आई हूँ यहाँ पे। आपने बताया कि आपको भी पीलिया था, आपकी बेटी को भी पीलिया हुई थी, तो ये तकलीफ अभी है आपको कि कैसा? मैं वो भाभी से बोलती थी कि पीलिया है बच्ची को, मुझे, मैं क्या करूं, डॉक्टर को दिखाऊं, डॉक्टर ने इसको बोला था कांच में रखना पड़ेगा, मैं बहुत टेंशन में थी, लेकिन मैं वो तेल लगाती थी, बच्ची को लगाती थी, इसके मुंह में भी डालती थी तेल, और मैं 15-20 दिन में पूरी तरह से ठीक हो गई। 15-20 दिन में आप ठीक हो गए, आपकी बेटी भी ठीक हो गई? हाँ। अभी आप दोनों को पीलिया नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी तो मेरे से पहले ठीक हो गई। उसके ऊपर प्रभु ने बहुत बड़ी दया की, प्यार दिखाया। हाँ, धन्यवाद प्रभु। अभी आप दोनों को पीलिया नहीं है, प्रभु ने इनको सुंदर सी बेटी देकर के आशीषित किया है। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। तुम्हारा नाम बताओ? नंदनी। नंदनी मंडल। और क्या हुआ था? मेरा 3 महीने से तो पूरा पैर दुखता था, वो नस ऐसा घिसता था, डॉक्टर भी किए तो आराम, जब करते तो तब आराम होता, नहीं करते फिर ऐसा ही हो जाता। हम भूल गए थे कि नहीं गवा, तो कल को अचानक पूरा नस घिंचने लगा, तो हम प्रभु को मट्टी और कबर का तेल लगा, इसी घंट लगा हमको जर से वो निकलता, इसी को हम गवा। आप 4-5 महीने से मच्छी नहीं खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं मच्छी, जो हम पहले मच्छी खाते थे इधर गैस को पूरा करता था, नहीं खाते, तो हमें प्रभु को पास आने तो मच्छी के सब कुछ अब हम खाते हैं। मतलब पहले आपको अच्छा नहीं लगता था कि क्या तकलीफ था? ऐसा आता अपना गैस फेंक देता था, खाने न, कोई लाता न, दिखने मच्छी नहीं हम चाहते, अब कोई लाओ कुछ हमको मतलब न, किसी का पास मांगो मच्छी खा, अब किसी को पहले तो किसी का पास मच्छी ही नहीं हम मांगते थे, खाता ही नहीं हम, खाली मुर्गी सिवा कुछ नहीं खाता, अब तो मच्छी सब कुछ खाते हैं। प्रभु के नाम से अभी सब कुछ खाते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है? अच्छा है, कुछ तकबील नहीं है, प्रभु को हम धन्यवाद दे कुटी कुटी। और बहन आपका नाम बताइए? मेरा परमिला मंडल है। और आपको क्या हुआ था? 2 500 का 2 चौकी लिए थे, वो जो कुर्सी बैठता है टेबल, 500 का लिए थे, मैं आज ही लिए थे मैं 500 का, वो किधर से ना था, मैं जिसका जगह में रहता हूँ वो वही है, अड़ोसी पड़ोसी में तल है, आके मेरा आदमी से बोला उठो, मेरा आदमी को उठा के दोनों खाट ले गया, दोनों कुर्सी लेके गया, के मेरा जितना मेरा था अपना जात वाला, बोला वो सभी किना है भाई, दीदी अभी वो कुर्सी किना, नहीं नहीं मेरा 100 कुर्सी चोरी हो गया, ये भी कुर्सी मेरा ही है, क्या नहीं दीदी उसको नंबर देख लो, मैं 500 का भी मैं कुर्सी किना हूँ, हे प्रभु तेरे हाथ में देता हूँ, ये औरत मेरा कुर्सी लेके जा रहा है प्रभु। मतलब आपने वो खरीद के लाया था, लेकिन कोई बोल रहा था कि मतलब उसका है करके, 100 कुर्सी मेरा चोरी हुआ, ये भी कुर्सी मेरा ही है, तो आपने क्या किया आगे? दे दिया कुर्सी, मैं उसको दे दिया प्रभु का नाम से, मैं प्रार्थना करते रहे करते शुक्रवार को आते आते मैं 8 दिन हो गया मेरा कुर्सी आप सब वो दे दिया कुर्सी।
वापस दे दिया उसने कुर्सी। मोटी है, इतना मोटी औरत है, आपसे आप लेके मेरा आदमी का दे दे। हमारा आदमी का बुलाया, बोलता है तुम सच मुझ तेरा कुर्सी? बोले मैं सच दीदी बोल रहा हूँ, मैं खरीदा हूँ कुर्सी, तो घर पे जाओ तुम लेके जाओ। मतलब प्रभु ने उसका मन बदला और आपकी कुर्सी आपको दिला दी। कोटि कोटि में प्रभु का धन्यवाद। ये मेरा लड़की है गुंजा मंडल है, इसको पैर में ये घुटना साइज वो उतना फूल जाते था, और फूल के पूरा खिल बहते था, आगिन जैसे उसको लहरते था। बहुत उसको मैं इलाज किया, छुटबे नहीं करता था, छुटबे नहीं। जब इसको बोले गुंजा सब लड़की मेरा जितना मंडल पाटे सब जा रहा है, तुम भी जाओ, प्रभु तुमको छुएगा तो सामत भी देगा, चंगी भी तुमको प्रभु कर देगा। मेरा ही बात मेरा आते रहा, इसको जितना पूरा पैर का दर्द सूजन सब उसको नष्ट कर दिया। अभी 2-3 महीना हो रहा है इसको पैर नहीं दुखता है। फिर गवाही इधर कलेजे में थोड़ा गोला खा लिया था, बर्फ़ का गोला खाया, उसको दर्द उठ गया। मैं दवा खाना लेके गया, इसको ऐसा देखा तो क्या बोलता, अभी का अभी तुरंत इसको एडमिश करो, इसको एडमिश नहीं करेगा तो कुछ भी हो जाएगा। हम उधराई डॉक्टर के पास, हम रोने लगा कि प्रभु नहीं, हम डॉक्टर नहीं जाएंगे, एडमिश करने के नहीं जाएंगे, तुमको कोई दवा तो दो। तो बोलता मैं कोई दवा नहीं दूंगा, इसको जल्द के जल्द लेके जाओ, कि नहीं मेरा प्रभु ठीक करेगा, मेरा डॉक्टर बड़ा प्रभु है, मेरा प्रभु ठीक करेगा। मैं घर से डॉक्टर के पास मैं घर आया, मैं आदमी का बोला ऐसा ऐसा बात, तो मेरा आदमी क्या बोला, तुम प्रभु पे विश्वास करता है ना, तुम प्रभु उसको ठीक करेगा। मैं उसी जगह में घुटना टेक के प्रार्थना किया घर पे, कब्र का मट्टी और आशीष का तेल में क्रूस बना बना के लगा दिया। 1 घंटा खुद खुद घुटना टेक के मैं रुआ, प्रभु मैं तेरे हाथ में देता हूँ, जो मैं तू फ्री में मेरा बेटी का तू चंगी करेगा। और सचमुच मेरा प्रभु जीवित है। मैं थोड़ा 2 घंटा प्रार्थना किया, सचमुच उसी जगह ये लड़की को दौगने लगा, मम्मी मेरा पेट का दर्द पूरा नष्ट कर दिया प्रभु। उसी जगह खाना भात मांगा, चावल बनाए थे, मुर्गी का चिकन बनाए थे, इतना लेके खाया, और सुबह से कुछ नहीं खाया। अपने घुटने पर प्रार्थना की, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और उसको पूरी तरह से ठीक किया, ठीक कर दिया। अब कुछ नहीं, अभी आते आते उसको सामत भी आने लगा, और इतना प्रभु उसको सामत आता है, बाप रे। अभी से आते आते कम तो 2-3 घंटे चले आता, बहुत दिल से विश्वास करता। पहली बार तो इसको लाए थे, पहले 2 महीना हो गया, अभी तो 2-3 महीने हो गए, बीमारी भी नहीं प्रभु। प्रभु ने आपके ऊपर बहुत बड़ी दया की है। सभी जन जोर से ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए। अपना नाम बताओ। प्रमोद राजभर। क्या गवाही है? मेरी गवाही है कि मेरे उत्तर प्रदेश में ज़मीन है, वहाँ पर ज़मीन की बाउंड्री हो रही थी, और जो हमारे पटीदार हैं वो बहुत सता रहे थे, ज़मीन की बाउंड्री होने से रोक रहे थे, और एक एक इंच के लिए झगड़ा कर रहे थे, बोल रहे थे और पीछे चलो। बात बात में मेरे मम्मी पापा पास जाते थे तो कहते थे तू तो प्रभु में है ना, थोड़ा चल, प्रभु तेरा देता है तो तू भी चल, पीछे चल 2 इंच और दे, ऐसा कर करके बहुत तंग कर रहे थे, और टॉर्चर भी कर रहे थे कि ना तो पुलिस कंप्लेन करना, ना गांव के किसी व्यक्ति को बताना, बस प्रभु के नाम से टॉर्चर करते जा रहे थे। तो आपने उसके बाद क्या किया? जब आपको मैसेज मिला तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, फिर मेरे मन में बहुत अशांति और उनके विरोध में बहुत से भावनाएँ उत्पन्न हो रही थी। फिर 15 दिन पहले जो दूसरा रविवार भी था, उस रविवार को मैं यहाँ आया प्रार्थना में, और बड़ी सिस्टर प्रवचन दे रही थी, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा न काई बिगड़ते हैं। यानी कि ये प्रवचन सुनने के बाद मन में आपके प्रभु की दया हो गई, शांति आया। हाँ, ये प्रवचन सुनने के बाद मेरे मन में बहुत शांति आया, मैंने उसी वक्त प्रभु का धन्यवाद किया, और फिर छुट्टी होने के बाद फिर प्रार्थना विनती में मैंने विनती प्रार्थना लिखा कि प्रभु उनको लोगों के घमंड है और उनके ताकत पे घमंड है, परंतु मुझे तुझ पर घमंड है प्रभु। फिर मेरे मामा ने बताया कि तू जरूर जाकर विनती प्रार्थना में विनती प्रार्थना लिखना, और मैंने लिखा कि काम ना रुके प्रभु, आपकी महिमा हो, काम ना रुका और काम चल रहा है प्रभु का, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो झगड़ा करे तो झगड़ा शांत हो गया? वो झगड़ा बिल्कुल शांत हो गया, अब उधर आते भी नहीं हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजू राजभर है। आपकी क्या गवाही है? मेरे गवाही ऐसे है कि मेरे बच्चे की गवाही है, 2.5 महीने पहले जो है इसके आँख के बाएं साइड में
छोटा बच्चा एक है, वो तो दांत से काट लिया था और जख्म भी हो गया था और दाग भी हो गया था। तो मैं आशीषित मिट्टी और आशीषित तेल लगाया, उसके बाद से वो जख्म और दाग पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और अगली गवाही ऐसी है कि लगभग ढाई महीने के लगभग इस बच्चे को जो उल्टी के और पेट में दर्द की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो परिवार मीटिंग था उसमें मैं सिस्टर को बताया समस्या कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो सिस्टर ने प्रार्थना किया, उसके बाद से इस बच्चे की तकलीफ पूरी तरह से निकल गया। और अगली गवाही मेरी है कि 18 दिन पहले मुझे रात में 11-12 बजे के लगभग पेशाब की तकलीफ़ मुझे होने लगी। तकलीफ़ इतनी बढ़ते गई कि मैं कम से कम 2 बजे तक मुझे ऐसा तकलीफ़ होने लगा कि ऐसा लग रहा था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मैं इतना ज़्यादा तकलीफ़ में हो गया। तो मैं बैठे बैठे जो है कि वहाँ पे प्रार्थना करने लगा और आशीषित मिट्टी और तेल का इस्तेमाल किया, बाद में फिर छुटकारे की प्रार्थना जो है मैं लेते रहा और लेते लेते सो गया। और मेरी सुबह उठा तो मेरी तकलीफ़ निकल गई और मुझे पता भी नहीं चला कि कब निकल गई तकलीफ़। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये भाई का नाम अजमेर सिंह है, ये डोंबिवली से आए हैं और अपनी गवाही खुद की बता रहे हैं कि 6 साल से बुरी संगति में पड़ गए थे। अब बुरी संगति में पड़ने के कारण जब घर पे आते थे तो घर में पत्नी के साथ और परिवार के साथ में बहुत झगड़े होते थे, घर में बहुत अशांति फैला हुआ था। ये सिलसिला 6 साल से चालू था और ये प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु ये मेरी आदत नहीं छूट रही है, तू ही कुछ कर सकता है। ये प्रार्थना में आते गए और प्रभु से प्रार्थना करते गए, प्रभु यीशु का महान अनुग्रह ये भाई के ऊपर हो गया। बता रहे हैं कि 5 महीने से घर में बहुत शांति आ गई और वो संगति से बाहर निकल चुके हैं। अब उस चित में इनके वो संगति का कोई भी याद नहीं आता है, प्रभु के अनुग्रह से ठीक हैं। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम लीलिया मंडल है, ये इनकी बेटी है। ये बहन बता रही है कि 1 महीना पहले ये बहन यहाँ पर शनिवार की उपवास प्रार्थना में आई थी और उस दिन ऐसी घटना घट गई कि इनकी बेटी घर पर थी और घर पर इसकी कुछ सहेलियाँ इसे किसी बात के ऊपर चिढ़ा रही थी और जिस वजह से ये बहन काफ़ी उनसे तंग आकर के उसने दुकान पर से चूहा मारने की दवा लेकर आई और चूहा मारने की दवा उसने खा ली और खाने के बाद उसको बहुत तकलीफ होने लगी, उल्टी संडा सब कुछ शुरू हो गया और उस जगह पर ये बेहोश हो गई। घर पर ही थी, आस पड़ोस के किसी के लोगों को ये खबर नहीं पहुँची। ये बहन बता रही है कि जिस घड़ी पर ये बेहोश हो गई थी और उसके बाद उसको थोड़ा सा होश आया और होश आने के बाद इसके घर पर इसके सामने ही प्रभु की तस्वीर लगी हुई थी और उस तस्वीर से रोशनी आते हुए इसे दिखाई दी और उस घड़ी बता रही है कि प्रभु का इतना अनुग्रह हो गया कि जो जहर उसके शरीर में फैल गया था वो जहर कहाँ गया कुछ पता नहीं चला और उसके बाद से ये पूरी तरह से ठीक हो गई, जिंदी है, पूरी तरह से स्वस्थ है। इसलिए ज़ोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आके खोलो, तुम्हारा नाम क्या है? नेहा मंडल। नेहा मंडल, क्या हो गया था 1 महीना पहले? चूहे के दवाई खा लिया था, मेरे सहेली था ना बहुत चिड़ियाते थे तो मैं कुछ सोचा नहीं, जहर खा को मैं सो गया। 10 ही बजे खाया था, सुबह में 10 बजे? हाँ सुबह में 10 बजे खा को मैं सो गया और उल्टी बुलटी होने लगा। फिर मैं था ना रूम बंद कर दिया, मेरे अड़ोसी पड़ोसी का किसी को पता नहीं था। मेरे घर का था ना तस्वीर था यीशु का, तो हम उसको नाम लेते थे ना बहुत ज़्यादा चिड़ियाते थे। मेरे मम्मी बोलते थे चलो मेरे साथ यीशु, मैं मम्मी से झगड़ा हो जाते तो तुम हमको मत बोलो। मतलब पहले तो प्रार्थना में आने के लिए तैयार नहीं होती थी, लेकिन उस दिन क्या हो गया? तो इसी दिन था ना मैं जार खाया था सो गया था, फिर आप रूपी जब मेरे मम्मी को आने का टाइम हो गया मैं आप रूपी खड़ा होके देखा ऐसा रोशनी आ रहा था, लग रहा मेरे सामने कोई है, ऐसा रोशनी आया मेरे अंदर से। फिर मैं 5 बज गया मैं आप रूपी से खड़ा, ये मैं 10 बार सोचते थे मैं तो मर गया था, मैं कैसा जीवित हुआ। तुझे ये खुद सोच में पड़ गई कि मैं मर गई थी तो मैं जिंदी कैसे हो गई और शाम 5 बजे तो खुद से खड़ी हो गई जब वो रोशनी तेरे ऊपर आई। मैं आप रूपी खड़ा हो गया, फिर मैं पापा लोग का चावल देने लगा,
देने में बार बार यही मन में सोचते थे मैं कैसा जीवी, तो मेरे पास तो कोई आ नहीं सकता है, वो तो कुछ है नहीं जो मेरे को चंगा कर देगा। तो मैं तस्वीर देखा, मैं बोला यही मेरे को ठीक किया होगा। तो मेरे ईश्वर की तस्वीर देखकर हाँ, तो मेरे मम्मी आया, मैं रो रो के सारा बात बता दिया। मेरे शिवलिन को जाने का वेखा कल था तो आज ही मैं खाया था। तो मेरे दीदी मौसी लोग कहे अड़ोसी पड़ोसी तुम लोग चले जाओ शिवलिन, तो हम पहला शिवलिन यहाँ गए थे यीशु का पास, शिविर में भाग लिया था। बहन आप बताइए, उस दिन आपकी बेटी बहुत परेशान होकर के उसने जहर खा लिया और उस समय पर आप यहाँ पर उपवास प्रार्थना में थे। प्रार्थना में आए थे, उनको मालूम नहीं कि कैसे वो जहर खा लिया। बहुत फंसताने लगे कि ये लड़की कैसे बच गया, 10 बजे का खाया से 5 बजे वो लड़की कैसे। आप मतलब खुद सोच में पड़ गए कि 10 बजे का जहर खाया वो 5 बजे कैसे पूरी तरह से ठीक है। हमको विश्वास है कि हम यीशु का पास किए, यीशु हमारा ठीक किया। जिस समय पे आप यहाँ पर उपवास प्रार्थना में पूरा दिन बैठे थे उस समय पर आपको बिल्कुल भी कुछ ये खबर नहीं थी कि आपकी बेटी ने ऐसा किया है? थोड़ा सा भी खबर नहीं था। आप पूरा यहाँ पर उपवास प्रार्थना में भाग लिए? बस प्रार्थना में हम भाग लिए, इसलिए प्रभु ने बहुत बड़ा उसके ऊपर अनुग्रह किया और उसको नया जीवन दान दिया है। नया जीवन दान प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। एक हमारा मोबाइल था, वो मोबाइल हमारा गुम हो गया, हमको शिवलिन जाने का था। हमारा आदमी उठ के सुबह बोला क्या गाली बिली दो, मोबाइल जो लिया होगा दिया दे देगा। तो हम बोले अभी गाली नहीं देंगे, हम जाते हैं प्रभु का पास। शिविर में आप जाने का था उतने पे आपका मोबाइल चोरी हो गया? चोरी हो गया था। तो हमारा आदमी बोला उठ के गाली दो, तो हम बोले गाली नहीं देंगे, हमको प्रभु का दया लगेगा तो खुद से खुद ला के मोबाइल दे दें। जैसे हम शिवलिन से आए ऐसे हम 10 दिन हुआ और उसी बोलता कि हम लिए मोबाइल, हम बेच दिए, हमको 500 रुपये दो हम तुम्हारा मोबाइल ला के दे। उन्होंने जिसने चुराया था उस चोर ने सामने से आपको बताया कि मैंने चुरा लिया तुम्हारा मोबाइल? हाँ। और चोर उन्होंने चुरा करके 500 रुपये में बेच दिया? हाँ 500 रुपये में बेच दिया। हम बोले देते 500 हमको मोबाइल ला के दे। जिस घड़ी आपके पति ने बताया गाली वगैरह तो आपने गाली नहीं दिया, प्रभु के वचन के अनुसार आप शिविर में चले गए और प्रभु ने आपका काम कर दिया, मोबाइल वापस दे दिया। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामकेश कनौजिया है। आपकी क्या गवाही है? मेरी ये बेटी है, इसका नाम ज्योति कनौजिया है। इसकी गवाही यह है, ये 20 दिन पहले से इसके चेहरे पे और पूरे शरीर में ऐसा चेचक आ गया था, पूरा बड़े बड़े और बहुत जलन करता था। ये रात रात सो नहीं पाती थी, कभी भी बोलती थी मम्मी को या पापा को भी इस पर फूको, पंखा चलता था इतना ठंडा तो भी बोलती थी पापा इस पर फूको, इतना जलन होता था इसको, रात रात तड़पते रहती थी। हम लोग इसको तेल लगाता था, मुक्ति की प्रार्थना सुनाता था, फिर भी आराम नहीं मिलता था। फिर आए पिछला शुक्रवार छोड़ के उसके पिछला शुक्रवार को मैंने पूजा बहन से बोला, बहन सिस्टर से मुझे मिलना है कैसे भी करके, बच्ची को दिखाओ। बहन ने बोला कि अभी तो नहीं हो सकता है क्योंकि अभी आपने पहले बताया नहीं है। मैं बोला कैसे भी करके मिलाओ, मैं वहाँ पर बैठे रह गया इंतजार में कि अच्छा कभी ना कभी, मैं बोला खाली सिस्टर का नज़र भी पड़ जाएगा मेरे बच्ची के ऊपर तो प्रभु इसको आशीष दे देगा। आपको इतना भरोसा था कि सिस्टर के इनके इस बच्ची के ऊपर नज़र पड़ेगी तो भी ठीक हो जाए, ऐसा विश्वास था? मुझे इतना विश्वास था कि खाली सिस्टर का नज़र भी इस पर पड़ गया तो प्रभु समझो इसको देख लिया है। तो इतना कह के मैं वहाँ बैठे रह गया। यानी कि सिस्टर से आप मिले इसके लिए सिस्टर ने प्रार्थना किया? हाँ, इसके लिए फिर सिस्टर ने देखा और इसके लिए प्रार्थना किया। फिर परिवार मीटिंग में भी सिस्टर ने इसको आशीष दिया जिसके द्वारा इसके ऊपर अनुग्रह हो गया प्रभु का। और मेरे बच्ची का अभी 4-5 दिन हो गया, पूरी तरह से उस जलन से उस जितना दाग था पूरी तरह से साफ हो गया, इसलिए मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम बताइए। पप्पू कनौजिया। आपकी क्या गवाही है? मेरी पहली गवाही है कि मैं 4 साल से मेरे सीने में दर्द था और मैं दर्द के मारे अगर सो जाता था तो सीधा नहीं उठ पाता था, लेकिन अभी ऐसा आशीष का तेल लगाता था फिर धीरे धीरे 4 महीना हो गया, दर्द कम निकल गया मुझे मालूम नहीं। यानी कि 4 महीने से बिल्कुल ठीक है, इसके पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था, दर्द होता था? हाँ बहुत तकलीफ होता था, मैं सीधा उठ नहीं पाता था।
और 4 महीना हो गया, दर्द कब निकल गया मुझे मालूम नहीं, इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी अगली गवाही क्या है? दूसरी गवाही यह है कि मेरे ससुर जनवरी से उनका बड़े ससुर का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। 2 महीने से वो बेड पे एकदम स्थिर हो गया, ना खाते थे ना पीते थे, और जब डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि अभी ये नहीं बच पाएंगे तो उनको छुट्टी देने, फिर मैंने प्रार्थना किया प्रभु या तो इनको मुक्ति दो या इनको शक्ति दो। दूसरे दिन से उनको ऐसा हो गया कि उनको शक्ति हुई, धीरे धीरे उनके शरीर में सुधार आने लगा और खाने पीने लगे, इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। धीरे धीरे प्रार्थना किया, प्रभु का अनुग्रह हो गया, वो बचने का गुंजाइश नहीं था, बोले कि मर जाएंगे, इसलिए प्रभु का अनुग्रह हुआ, धीरे धीरे उनके शरीर में दूसरे दिन सुधार हो गया, इसलिए वो अच्छे से चंगा हो गए, इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। तुम्हारा नाम बताओ। राज मंडल। क्या गवाही है? मैं 7-8 साल से बहुत दारू बियर बहुत नशा करता था, अभी 1 महीना हो गया शिविर करते हुए, मैं 2 महीना से अभी कुछ ही नहीं कर रहा हूँ अभी। मतलब कि जब शिविर किया तो उसके बाद से अभी पीने का और जो भी व्यसन है अभी करने का इच्छा नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। 7-8 साल से मतलब बहुत ज़्यादा व्यसन करते थे? उधर से पान गुटखा तम्बाकू हर चीज़ खाता था, अभी पूरा निकल गया, अभी कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कर रहा हूँ कुछ नहीं। यानी प्रभु का अनुग्रह का अभी ठीक हो गए, जब से शिविर किया तब से ठीक हो गए? पूरा से ठीक हो गया। आपका नाम बताइए। रीता मंडल। क्या गवाही है? हमारे बच्चे का पैर में स्कूटी गिर गया था, वो खड़ा था, इसको स्कूटी गिर गया पैर में, इतना सूजन आ गया। कितना सूजन आया था? सूजन आ गया था। इसी पैर पर गिर गया? ऐसे ऐसे चलता था, बहुत लंगड़ कर चलती थी वो, ऐसे गोद में लेके जाते, जिधर जाते थे गोद में। कितना दिन हो गया ऐसा हो गया? महीना होता, 1 महीना पहले। 1 महीना पहले सूजन, खून जमा हो गया, डॉक्टर ने बोला खून जमा हो गया इसका पैर में, गर्म पट्टी दिया, दवाई बहुत दिया, ये दवाई भी नहीं खाता था, न मट्टी तेल लगाने देता था, न पट्टी कुछ भी नहीं लगाने देता, इधर आते रहे शिविर में भाग लिए। आपने शिविर में भाग लिया था? अभी भाग लिए थे प्रभु, तो वही तुम ही जो करना, टैंक खराब करवा जो करना है तेरा ही हाथ में है। आपने प्रभु के पास प्रार्थना की, फिर आगे क्या हो गया? क्या प्रार्थना करते, अब सिस्टर बोलता था बीमार भाग में हाथ डालो, तो हम इसको पैर में हाथ डालते, इधर भी आशीष करते तो पैर में करते करते शिविर में कहते चंगा, धीरे धीरे शिविर में वो धीरे धीरे ठीक हो गए, आया तो सही से चलने लगा। शिविर करने के बाद जब घर पर आए तभी वो ठीक से चलने लगे, चलने लगा, नंगड़ के नहीं चलता था। प्रभु ने उसे पूरी तरह से ठीक किया और सूजन भी निकल गया, अभी कोई तकलीफ नहीं है। सूजन हो गया था इसको पैर में, इतनी तकलीफ पड़ गई थी, बर्फ भी घसते थे, डॉक्टर बोला इसको बर्फ घसो, बर्फ की तो भी नहीं थी, तो भी नंगड़ के चलता। प्रभु ने उसे पूरी तरह से ठीक किया, उसका पैर का सूजन पूरा निकल गया है, अभी कुछ जख्म भी नहीं है। और इसकी दूसरी क्या गवाही? इसको पूरा चेहरा बेकार हो गया था, फोड़ी भर गया, पूरा चेहरे में फोड़ी, वो फोड़ी ऐसा था जो एक फैलता था, फैलता था, एक फैलते फैलते पूरा चेहरा बेकार, तेल मट्टी लगाते लगाते इधर आते थे, धीरे धीरे चंगा। उन्हें से ठीक किया। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता।
जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। दिल खोल कर बोलो धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु तुसे, धन्यवाद प्रभु तुसे, धन्यवाद, धन्यवाद। देखो उस महान प्रभु की ओर जो आत्मा के रूप में यहाँ मौजूद है, पूरे हॉल में उसकी मौजूदगी है। अपने मन के सारे विचारों को दूर कर दो और बस उस महान प्रभु की ओर देखते रहो। आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपके जीवन का दुख प्रभु के लिए कुछ बड़ा नहीं है। एक पल में वो आपको छू कर चंगाई दे सकता है, एक पल में वो आपके दुखों को मिटा सकता है, आपके परेशानी को दूर कर सकता है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसके महान प्रेम के लिए दिल खोलकर उसका धन्यवाद करो। हमारे ऊपर उसका जो प्रेम है, उसी प्रेम के खातिर वो इंसान बनकर धरती पर आया। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए इंसान बना, हमारे लिए धरती पर आया, हमारे पापों की सजा उसने ली, सारा बोझ उसने उठाया और हमें बचा लिया है। उसका क्रूस का बलिदान हमारी मुक्ति के लिए है। उसी ने हमें बचाया, उसी ने हमें छुड़ाया, उसी ने हमें संभाला, उसी ने हमारे पापों को मिटाया। वो ही हमारी बीमारियों को नष्ट कर देता है, वो ही हमारे जीवन के सारे शैतान के बंधन को ख़त्म कर देता है। दिल खोलकर उसका धन्यवाद करो। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊपर उठाओ और उस महान प्रभु का दिल से धन्यवाद करो। हृदय से कहो प्रभु तुसे धन्यवाद, प्रभु तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मुझे बचाता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तेरे महान प्रेम के लिए तुसे धन्यवाद, तेरे असीम प्रेम के लिए तुसे धन्यवाद। तेरा प्रेम महान है, तेरी करुणा महान है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तुसे धन्यवाद, प्रभु तुसे धन्यवाद, धन्यवाद। और अभी अपने महान प्रभु के लिए अपने दिल को साफ करो। याद करो आपके दिल में किन के लिए गुस्सा है, नफरत है, बदले की भावना है। उन सबों को क्षमा करो जिन्होंने आपको सताया है, आपका नुकसान किया है, आपको बर्बाद किया है। क्षमा करो उनको। प्रभु चाहता है हमारे दिल में गुस्सा ना रहे। हमारा प्रभु जब क्रूस पर तड़प रहा था, उसने अपने सताने वालों को क्षमा की और उनके लिए प्रार्थना की। वो चाहता है हम भी वैसा ही करें। क्षमा करो। आपके घर के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, सहेली, जिन जिन के खिलाफ आपके दिल में गुस्सा है, क्षमा करो सबको, क्षमा करो। टच, टच, टच। और अभी खुद के पाप प्रभु के सामने कबूल करो और उन पापों के लिए दिल से पश्चाताप करो। जो पाप कबूल करते हैं उन पर परमेश्वर दया करता है, इसलिए अपने पापों को छिपाना नहीं, कबूल करो। चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, परमेश्वर को दोष लगाना, दूसरों को फंसाना, लुटाना, मन के बुरे विचार, आँखों से जो गलत देखा है, जबान से जो गलत बोला है, आपके जीवन के सारे बुरे काम कबूल करो, कबूल करो। और उन पापों के लिए पश्चाताप करो। प्रभु से कहो, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मेरे पापों के लिए मुझे बुरा लग रहा है।
और अभी प्रभु के पास क्षमा मांगो। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु ने क्रूस पर बलिदान किया है। अपनी आत्मा से प्रभु के क्रूस को देखो, अपने हाथों को ऊपर उठाओ और उसे दिल से पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर प्रभु, दया कर मुझ पापी पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, एक पल में प्रभु आपको छूकर चंगाई देगा। जहां आपको बीमारी है वहां बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इस क्षण निकल जाए, शरीर की गाठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्टात्माएं हैं उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इस क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं है उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका धंधा है उनके धंधे पर प्रभु के आशीष आए, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्जा अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके परिवार में झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आई। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से शिक्षण निकल जाए, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, दिल खोलकर बोलो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी आखिरी आशीष के लिए खड़े हो जाइए, आशीष के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, और इसी समय घर से लाया हुआ तेल, पानी, रुमाल और जिन चीज़ों पर आप आशीष लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ, प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए, आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा, शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा, आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन।
जो प्रभु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं, आप विश्वास से दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आशाए। हाथ नीचे करो। अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेने जा रहे हैं।